वेलकम टू ज्ञानबाजी यूट्यूब चैनल। मैं हूं निखिल और सुपर फास्ट संडे जीके टेस्ट में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, एग्जाम्स का दौर हो चला है और बहुत सारे एग्जाम्स एक एक करके अब लाइंड अप हो चुके हैं अप्रैल और मई तक, और इसीलिए हमने भी सोचा कि आपके लिए संडे सुपर फास्ट जीके टेस्ट की सेवा शुरू कर दी जाए। दोस्तों, आप सब तो जानते ही हैं कि इससे पहले भी हमने ये संडे सुपर फास्ट जीके टेस्ट का सिलसिला लगभग लगभग 11 अलग अलग संडेज तक चलाया था, बट देर वॉज अ पॉज एंड नाउ वी हैव स्टार्टेड इट वंस अगेन, बट दिस टाइम वी हैव मेड सर्टेन चेंजेस इन दिस। ऐसे जितने भी स्टूडेंट हैं जो पहली बार आज टेस्ट देने वाले हैं, उन सबको मैं बता दूं कि संडे सुपर फास्ट जीके टेस्ट दरअसल आपके अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए एक कम्प्रिहेंसिव जीके टेस्ट का प्लेटफॉर्म है। आप कोई भी एग्जाम दीजिए और अपनी प्रिपरेशन जनरल अवेयरनेस की कहीं से भी करिए, लेकिन हर संडे को ज्ञानबाजी यूट्यूब चैनल पर आकर अपना जीके टेस्ट देना बिल्कुल मत भूलिए। वैसे आप सबको एक बार मैं याद दिला दूं कि अब हमने टाइमिंग इसका चेंज कर दिया है, हर संडे को शाम को 4 बजे ये जीके टेस्ट होगा, जैसे इस संडे को हो रहा है। ऑलराइट, और इस बार कुछ और चेंजेस भी हमने इसमें किए हैं, तो चलिए आपको वो भी बता देते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहला चेंज तो ये हुआ है कि अब से संडे के ये जीके टेस्ट एग्जाम स्पेसिफिक होंगे। जी हाँ, इट विल बी एग्जाम स्पेसिफिक। तो इस बार संडे का ये टेस्ट BIS और IBPS क्लर्क एग्जाम के लिए डेडिकेटेड है। तो ऐसे जितने भी स्टूडेंट हैं जो दिसंबर मंथ में BIS की एग्जाम टारगेट कर रहे हैं या IBPS क्लर्क मेंस की प्रिपरेशन अभी से कर रहे हैं, उनको आज का ये टेस्ट बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए। ऑलराइट, एंड देन सेकंड पार्ट इज, हमने आंसर कीज के जगह अब हाँ आपके लिए कुछ दूसरे अरेंजमेंट किए हैं, सो दैट आपको आंसर कीज के लिए टेस्ट के लास्ट तक वेट करने की जरूरत ना पड़े। मैं आपको आगे की स्लाइड में ये बताऊंगा कि आपको आपके क्वेश्चन के आंसर्स किस तरीके से मालूम पड़ेंगे। बहरहाल दोस्तों, आज आपका जीके टेस्ट होने वाला है नवंबर मंथ के ऊपर, और नवंबर मंथ का पूरा करंट अफेयर्स और फाइनेंशियल अवेयरनेस आपको पूछा जाएगा। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट विद टुडेस टेस्ट। बिफोर वी डू दैट, आप सबको इंस्ट्रक्शंस का एक पेज जरा क्विकली समझा दें। यस फ्रेंड्स, टेस्ट में कुल मिला के 100 क्वेश्चंस होंगे एंड ऑल क्वेश्चंस विल बी कंपलसरी। इसीलिए जरा अपनी नोटबुक और पेन निकाल लीजिए फटाफट, स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन आता जाएगा और आप अपने नोटबुक में A, B, C या D जो भी आंसर देना चाहते हैं वो आंसर अपने नोटबुक में लिख सकते हैं। ऑलराइट, हर क्वेश्चन के लिए 25 सेकंड्स का टाइम आपको मिलेगा। क्वेश्चन के ठीक ऊपर एक टाइमर चालू रहेगा जिसमें 25 सेकंड्स के लिए एक घड़ी अपनी टिक टिक चलाती रहेगी। आपको 25 सेकंड के अंदर क्वेश्चन पढ़ के आपका आंसर रेडी रखना है। ओके, हर क्वेश्चन के लिए आपको 1 मार्क अलॉट किया जाएगा, बट नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो घबराइए मत, पूरे 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करिए। नाउ, ये एक सेल्फ असेसमेंट टेस्ट है, इसीलिए आपको आपका स्कोर कार्ड खुद चेक करना है और हमारे साथ कमेंट थ्रेड में अपना स्कोर कार्ड जरूर शेयर करना है। माइंड वेल फ्रेंड्स, टेस्ट खत्म होने के बाद यूं ही चले नहीं जाना है, आपको आपका स्कोर कार्ड हमारे साथ शेयर करना है। नाउ वी हैव ऑल्सो मेड सम ब्यूटिफुल कैटेगरीज फॉर योर रिमार्क्स। अगर आपका 80 से ज्यादा स्कोर आता है तो यू विल बी कंसिडर्ड एक्सीलेंट, 70-80 स्कोर वाले को वेरी गुड, 60-70 वाले को गुड, 45-50 वाले को एवरेज, और अगर आपका स्कोर 45 से कम है तो अभी फिलहाल दिल्ली आपके लिए दूर है और आने वाले टेस्ट के लिए आपको और मजबूती से तैयारी करनी पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, फटाफट अपना पेन और अपनी नोटबुक रेडी रखिए और अब 100 क्वेश्चंस का टेस्ट देने के लिए पूरी तरह से रिलैक्स होकर कॉन्सेंट्रेट करने के लिए तैयार हो जाइए।
दोस्तों जो मैंने आपको बताया कि अब आपको आंसर की इसके लिए लास्ट तक वेट करने की जरूरत नहीं है, उसको आप एक बार ध्यान से समझ लीजिए। ये रहा आपका क्वेश्चन, ऊपर ये रही आपकी टाइमर की क्लॉक जिसमें आपको आपका टाइम दिखेगा। 25 सेकंड्स कंप्लीट होने के बाद ऑटोमेटिकली स्लाइड चेंज हो जाएगी और आपके लिए फ्रेश क्वेश्चन आ जाएगा। लेकिन जैसे ही 25 सेकंड्स खत्म होंगे, इस तरह का एरो आपको आपका आंसर बता देगा। फॉर एग्जाम्पल, इस क्वेश्चन के लिए आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक वैसे ही बी के लिए यहाँ एरो आएगा, ए के लिए इस तरफ और सी के लिए उसके नीचे। ऐसे एरोस आते चले जाएंगे और आपको आपके आंसर तुरंत समझ में आ जाएंगे। सो प्लीज टेस्ट पर अंत तक बने रहना और सारे क्वेश्चन सॉल्व किए बिना टेस्ट को बीच में छोड़ना मत। ऑलराइट, आई होप आपने नवंबर मंथ की अच्छी तैयारी की होगी, तो आज के टेस्ट में यू आर गोइंग टू स्कोर सम एक्सीलेंट मार्क्स। ऑलराइट, एक बार फिर से रिमाइंडर दे दूं कि ये टेस्ट आईबीपीएस क्लर्क और BIS की एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए आज बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। तो चलिए, ऑल द बेस्ट एंड प्लीज लेट्स स्टार्ट विद द टेस्ट। ये रहा आपके लिए क्वेश्चन नंबर वन। ऊपर आपको एक टाइमर क्लॉक नजर आ रही होगी और ये आपका क्वेश्चन है। चलिए फटाफट शुरू हो जाइए, सारे क्वेश्चंस और इंस्ट्रक्शंस सारे ऑप्शंस को ठीक से देखिए एंड ये रहा उसका आंसर। क्वेश्चन नंबर वन का आंसर है डी। बस इस तरीके से आपको आपके पूरे 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और आखिरी तक सॉल्व करने हैं। फगवारा मेगा फूड पार्क कहां है? चलिए, कम ऑन कम ऑन। यस, राइट आंसर इज पंजाब। चलते चलिए चलते चलिए, अपना आंसर देखते रहिए और स्कोर नोट करते रहिए। अगर आपका आंसर राइट आया है तो खुद को 1 मार्क देते रहिए। That's D. Question number 3 का आंसर है D. Four का आंसर है A. चलिए चलिए चलिए, आपका आंसर राइट आना चाहिए। बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ। दैट्स ए। क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है।
यस गाइस, थोड़ा जोश लाइए, फटाफट करिए, सारे क्वेश्चंस टारगेट करने हैं और कोशिश करिए कि आपके आंसर राइट आए। वैसे अगर रॉन्ग भी आते हैं तो निराश मत हो, क्योंकि धीरे धीरे ये इम्प्रूवमेंट आएगा, धीरे धीरे ही स्कोर कार्ड बढ़ेगा। आंसर्स ठीक से चेक करिए, एरो कहाँ दिखा रहा है, किस ऑप्शन पे शो हो रहा है, बी वेरी क्लियर। सुपर कंप्यूटर्स, यस, 25 क्वेश्चंस ओवर, 1/4 टेस्ट इज ओवर।
काफी इजी क्वेश्चन था।
दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. क्यू आर एस एम में क्यू का फुल फॉर्म क्या है? आंग सान सू ची, वेरी फेमस लीडर फ्रॉम आवर नेबर कंट्री, जिनकी बॉर्डर हमारे देश से टच होती है. यस ऑफ कोर्स, म्यांमार. तो देखते देखते अब हम आ चुके हैं अपने दूसरे पड़ाव पे और आधा टेस्ट कंप्लीट होने जा रहा है. 50वां क्वेश्चन नजदीक है. 6G लॉन्च करने वाला टेस्ट सैटेलाइट वाला देश कौन सा? वंस अगेन भारत का पड़ोसी ही देखो, कोई वही हो सकता है. अच्छा हिंट है. यस आंसर इज चाइना.
तीसरा पड़ाव कंप्लीट होने को आ गया है। 75th क्वेश्चन। फर्स्ट सी प्लेन सर्विस हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट? आप सबको तो पता ही है, मोदी जी गए थे 2 दिन के दौरे पर वहां और बहुत सारे अलग अलग प्रोजेक्ट्स का अनावरण करके आए हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जहां है। यस, सही जवाब है गुजरात। सर्व पावर, सर्व इन आइडिया, सर्व एनर्जी या सर्व फोकस? अच्छा क्वेश्चन है। अभी अभी सीबीओ की बैच में मैंने ये करवाया भी था।
लास्ट 8 क्वेश्चंस रिमेनिंग नाउ, कीप मूविंग कीप मूविंग। यस, क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। यस, एंड नाउ वी आर ऑन अवर लास्ट क्वेश्चन। पीएम मोदी हैज रिसेंटली इनॉग्रेटेड द रो पैक्स फेरी वेसल वोयेज सिंफनी इन विच स्टेट। एट सेकेंड्स टू गो, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, the right answer is Gujarat. So with this, finally we came to the end of today's GK test. I hope आप लोगों को ये टेस्ट सॉल्व करने में मजा आया होगा। वैसे हमने पूरी कोशिश की है कि इस तरह के टेस्ट से आप लोगों के एग्जाम की एक परफेक्ट तैयारी आपको करवाई जाए, और आने वाले दिन में जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बोला कि हर संडे को आपके लिए कोई ना कोई एग्जाम स्पेसिफिक टेस्ट होगी। जिस तरह आज की एग्जाम BIS और IBPS क्लर्क के लिए स्पेशली रखी गई थी, ठीक वैसे ही आने वाले संडेज में आप देखेंगे कि हमारे पास SBI PO के लिए स्पेशल टेस्ट होगा, उसके बाद IBPS PO के लिए कोई स्पेशल टेस्ट होगा, एंड देन वेरी सून वी विल बी ऑल्सो स्टार्टिंग विद SSC CHSL के डेडिकेटेड टेस्ट। तो जाते जाते आप सबको सिर्फ इतना कहना है कि आप अपने जीके की तैयारी कहीं से भी करें, लेकिन संडे को शाम को 4 बजे ज्ञानबाजी यूट्यूब चैनल पर ये टेस्ट देना बिल्कुल मत भूले।
वैसे एक और इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट, आप सब जानते हैं आरबीआई असिस्टेंट का जो एग्जाम हुआ था अभी अभी, उसके पहले आरआरबी स्केल टू ऑफिसर्स के लिए जो एग्जाम हुआ था उसमें हमारे टेस्ट से और आई प्रथम ऐप पर 1000 MCQs जो मैंने एक पीडीएफ डाली थी इसमें से काफी क्वेश्चंस आए थे। सो बोथ द सोर्सेस हैज बीन प्रूव्ड देमसेल्स क्वाइट रिलायबल फॉर ऑल द एग्जाम, सो यू कैन ट्रस्ट देम एंड यू कैन एक्चुअली मेक देम प्रिपेयर फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। सो प्लीज हैव अ लुक ऑन ऑल दिस थिंग्स सो दैट यू शैल हैव अ परफेक्ट प्रिपरेशन फॉर योर एग्जाम। ऑल राइट गाइज, ज्ञानबाजी यूट्यूब चैनल पर अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज्ञानबाजी एक टेलीग्राम चैनल भी है, ज्ञानबाजी नाम से हमारा एक फेसबुक पेज भी चलता है और इंस्टाग्राम चैनल का भी नाम ज्ञान डेली जीके अंडरस्कोर ज्ञानबाजी नाम से है। आप ज्ञानबाजी को कहीं भी फॉलो कर सकते हैं और बहुत जल्द ज्ञानबाजी अपने फ्रेश कंटेंट के साथ एक नए लुक में दोबारा आपके सामने आने वाला है। तो बने रहिएगा ज्ञानबाजी के साथ, मिलते हैं अगले संडे को एक बार फिर से। तब तक के लिए हैव अ वेरी नाइस टाइम, टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, सी यू इन नेक्स्ट संडे, टिल देन गुड बाय।